हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चिकन करी, मसाला चिकन, चिकन फ्राई, चिकन ग्रेवी या ग्रेवी चिकन। दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको ये सारी रेसिपी देखने को मिलेगी। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए आज की रेसिपी, जो नॉन वेजिटेरियन है, चलिए दोस्तों। दोस्तों, चिकन बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। आप सामग्री को अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने लिया है 2 किलो चिकन, इसमें कुछ लेग पीस लिए हैं और कुछ बोनलेस चिकन। दोस्तों, चिकन को आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। 5 प्याज या मीडियम मीडियम साइज के 5 प्याज लिए हमने। इसको हम बारीक काट लेंगे। एक चुटकी हींग पाउडर, 2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च साबुत, 1 साबुत गरम मसाला, 4 तेज पत्ता, 10 लहसुन की कली, 1/2 अदरक। दोस्तों, इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में या आप मिक्सर ग्राइंडर या सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल के एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। हमने दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग किया है यहाँ पे। आप अपने आवश्यकता अनुसार सिलबट्टे या मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा पेस्ट बन गया है। हमने इसको एक कटोरी में निकाल के रख लिया है। 1 कटोरी सरसों का तेल, 3 लीटर पानी सब्जी में डालने के लिए और चिकन को धोने के लिए, 2 चम्मच नमक, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं चिकन करी, चिकन मसाला, ग्रेवी चिकन, फ्राई चिकन। दोस्तों, वीडियो में हम ये सारी रेसिपी देखेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप चिकन को साफ पानी से धोएं अच्छी तरह से। दोस्तों, अब हम चिकन को भुनेंगे। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है। अब उसमें हम 6 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें धुले हुए चिकन को डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे या भुनेंगे। दोस्तों, चिकन को हम अच्छी तरीके से भुनेंगे और इसको अच्छी तरीके से इसको चलाएं ताकि कढ़ाई में ये चिपके नहीं। दोस्तों, चिकन को अच्छी तरीके से चलाते रहें ताकि कढ़ाई में चिपक के जले नहीं। दोस्तों, इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनना है। दोस्तों, इसको भूनते भूनते चिकन को जब हम फ्राई करेंगे या भूनेंगे तो उसे चिकन में से पानी छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए, हल्के ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक। दोस्तों, इसको चलाते रहें बीच बीच में।
दोस्तों हमारा चिकन फ्राई हो गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम चिकन चिकन करी व चिकन मसाले के लिए हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। हमने कढ़ाई चढ़ाई गैस पे, उसमें 6 चम्मच सरसों का तेल डाला। हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम उसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। अब उसमें हम 3 तेज़पत्ता डालेंगे। हमारा तेज़पत्ता ब्राउन हो गया है, अब उसमें बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक इसको भुनेंगे या इसको फ्राई करें हल्के लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों हमारा प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों अब हम इसमें जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था, जीरा, काली मिर्च, अदरक, गरम मसाले, इनको डाल के मिक्स करेंगे और इसमें 1 कप पानी डाल के मसाले को पकाएंगे, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। 10 मिनट तक हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए मसालों में से तेल आना शुरू हो गया है, मतलब कि हमारे मसाले पकने शुरू हो गए हैं। ये देखिए मसालों में से पानी सूख गया है और मसाले में से पानी सूख लिया गया है और तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखिए मसाले का कलर कितना सुंदर देखने में लग रहा है। हमारा मसाला पक गया है, अब हम इसमें फ्राई करे हुए चिकन को डालेंगे। ये देखिए चिकन का लेग पीस ऐसे ही बारी बारी से सारे चिकन इसमें डालेंगे और हम उसे अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। ऐसा मिक्स करें कि सारे मसाले चिकन में मिक्स हो जाएं, मसालों का परत चिकन पर चढ़ जाए। दोस्तों मसाले में चिकन को डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर करके चिकन को मसालों के साथ अच्छे तरीके से इसको पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों मसाले चिकन में मिल गए हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए चिकन का कलर देखिए कितना कलरफुल लग रहा है देखने में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। दोस्तों ये देखिए हमारा यहाँ पे ये मसाला चिकन बनके तैयार हो गया है, अब इसे एक प्लेट
में सर्व करें और इसको डेकोरेशन करके या धनिया पत्ते के साथ इसे आप इसे मसाला चिकन को खा सकते हैं। ये देखिए हमने एक प्लेट में निकाला है और इसे अब हम इसको ग्रेवी चिकन बनाएंगे या चिकन करी। दोस्तों ये चिकन हमारे जो भुने हुए थे अब हम उसमें 500 ml पानी मिलाएंगे। दोस्तों ग्रेवी के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसमें पानी मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 500 ml पानी लिया है। पानी डालने के बाद इसको 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं। ये देखिए ये हमारा बन गया है ग्रेवी चिकन या चिकन ग्रेवी। दोस्तों हमारे चिकन करी व चिकन ग्रेवी बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकालेंगे। दोस्तों इस चिकन को अपने फेवरेट रोटी चावल या पराठे के साथ खाइए, या आप इसे ऐसे भी कर खा सकते हैं मसाला चिकन। दोस्तों ये ग्रेवी चिकन, मसाला चिकन, चिकन करी। दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेरी रसोई को। वीडियो की हर नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें।